लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और घंटी बजा के अंदर आ जाओ। वेल दोस्तों, आप में से कई सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे कई सारे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा है कि किस तरह से हम लॉक स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन बार को हाइड कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये, देखिए मैंने अपना मोबाइल को लॉक कर दिया, देन ये नोटिफिकेशन बार जो ऊपर से आ रही है इसको किस तरह से हाइड कर सकते हैं। अभी कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे, भाई हाइड करने की ज़रूरत क्या है इसको, यहाँ आ रही तो अच्छी बात है। हाँ भाई, अच्छी बात तो है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनको सिक्योरिटी चाहिए अपने मोबाइल की। आप क्या करेगा, आपका अगर आपको मोबाइल लॉक होता है तो वो इसको यहाँ पे स्वाइप डाउन करेगा, देन आपको नेट कनेक्शन ऑन कर सकता है। नेट कनेक्शन ऑन करके जो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आता है उनको रीड कर सकता है वो, आपकी कोई प्राइवेट चीजें होती है उनको देख सकता है, देन आपको मोबाइल साइलेंट कर सकता है वो, आपके मोबाइल को एयरप्लेन मोड भी डाल सकता है, या फिर आपको नेट कनेक्शन ऑन करके हॉटस्पॉट ऑन कर लेगा और आपका डिवाइस को बड़े आराम से यूज कर पाएगा हॉटस्पॉट के जरिए। बहुत से तरीके होते हैं, या फिर आपके मोबाइल कुछ ना कुछ छेड़छाड़ तो जरूर से कर ही लेगा वो। तो इसको हाइड किस तरह से किया जाए, फिलहाल के लिए तो स्टेबल वर्जन की अगर मैं बात करूं तो स्टेबल वर्जन में ये फीचर नहीं है हाइड करने का। बीटा वर्जन में फीचर अभी कुछ अपडेट पहले ही लाया गया है, यानी कि 25 तारीख गई थी, 25 नवंबर, तो उसको ये अपडेट दिया गया है Xiaomi के Redmi Note 4 में और बाकी सभी डिवाइस के अंदर। उम्मीद करता हूँ स्टेबल में भी आने वाले अपडेट्स में ये फीचर ऐड कर दिया जाएगा। तो जाहिर ही बात कर लेते हैं किस तरह से इसको हाइड करना होता है। आपको सबसे पहले जाना अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन एस स्टेटस बार का, इसके ऊपर आप टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो ऑन लॉक स्क्रीन का। शो ऑन लॉक स्क्रीन को इसको आप डिसेबल अगर कर देते हैं तो आपको जो नोटिफिकेशन बार है वो आपको नहीं दिखेगा लॉक स्क्रीन के ऊपर। चलिए आपको एक टेस्ट करके दिखाई देते हैं। तो मैं अपने डिवाइस को लॉक किया, देन मैं अपने डिवाइस को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ अगर मैं स्वाइप डाउन करने की कोशिश करता हूँ तो स्वाइप डाउन नहीं होगी। आप भी अगर बीटा वर्जन में है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आपका कोई भी इसको आपको मोबाइल को सिक्योरिटी रहेगी, कोई भी आपको जो स्क्रोल बार होती है या फिर आपको बोल सकते हैं नोटिफिकेशन बार होती है उसको नीचे नहीं कर पाएगा और आपकी सिक्योरिटी एक अलग तरह से बढ़ जाएगी। तो इस तरीके अगर इसको वापस इनेबल कर देते हैं देन आप मोबाइल को लॉक करते हैं तो वापस यहाँ पर नीचे आने लग जाएगा। ये देखिए वापस नीचे आने लग गया। तो बड़ा ही आसान तरीका, आप इसको यूज करके देखिए, आपकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जरूर से बढ़ जाएगी। अब कुछ लोगों ने मुझसे डिमांड की थी इस वीडियो के लिए, तो मैंने आपको छोटी सी वीडियो के जरिए समझा दिया। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।